प्रदेश में भले ही नई सरकार को एक साल पूरे हो चुके हों, लेकिन सरकारी महकमों में गबन और भ्रष्टाचार पहले की तरह ही जारी है। बात करें कबीरधाम जिले के पंडरिया की, तो यहां मनरेगा के तहत फिर से एक बार गोलमाल करते हुए बड़ी राशि का आहरण कर लिया गया है। इसी तरह जिन कामों को मजदूरों से कराया जाना था, वहां भी मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, बावजूद मजदूरों के नाम पर पैसे निकाल लिए गए। अगर पानी के रहने अगर पानी में ये तालाब को जानते हो आप? जी। तो क्या अब कितना राशि इसमें तालाब में निकला है सर? अभी इतने तो मालूम नहीं है सर। नहीं है मालूम? हाँ। जानकारी में है कितना राशि इसमें पास हुआ है? दोस्त यार बता रहे हैं तो बस वही सुन रहा हूँ। बोर्ड वगैरह नहीं लगा है? नहीं लगा है सर। भुगतान अभी बस 2 सप्ताह के बस हुआ है सर। बचत पूरा सप्ताह का और कितने सप्ताह का जो है 4 सप्ताह का क्लियर बाकी है। कितने लोग काम करने आ रहे थे? बस यहाँ 20-25 लेबर। 20 से 25 लेबर। हाँ। ये अगर पानी में जो तालाब चले है 7 सप्ताह, उनमें के पेमेंट 2 सप्ताह के हो है। कहाँ पे है तालाब? तालाब अगर पानी में स्टेशन पारा ये पीछे साइड है, पीछे में तालाब है, तो 4 सप्ताह के बचे पेमेंट। अभी तक भुगतान नहीं हुआ? अभी तक भुगतान नहीं हुआ। कितना दिन हो गया काम किए हुए? काम के अगले 2018 दिसंबर के। कते कन के भुक मने यहाँ काम हो रही है? काम करीब कत का के वाला नहीं जाना था, 9 लाख से ऊपर के। 9 लाख से ऊपर के काम है? हाँ। ये कहीं पर बोर्ड उड़ लगे का एक हर काम के? बोर्ड तो नहीं लगे। नहीं लगे कहीं पर? हाँ नहीं लगे। पीछे जो दिख रहा है गड्ढा यही है तालाब? हाँ यही है तालाब, ये पीछे दिख रहा है।